हेलो स्टूडेंट्स, बीएससी सेकंड ईयर मैथ्स। देखिए, आज हम जो फील्ड एग्जाम्स कर रहे थे पिछले चैप्टर के अंदर, उसी से आगे चल रहे हैं। ठीक है, तो हमने एक उसे पढ़ा था कि कौन कौन से ग्रुप या सेट जो हैं वो फील्ड होते हैं और कौन कौन से नहीं होते हैं। उसके लिए मैंने आपको एग्जाम होमवर्क भी दिया था, उम्मीद करता हूँ आप लोगों ने किया होगा। तो उसी के हिसाब से और एग्जाम्पल लेके चल रहे हैं। तो आज फिर हमारे एग्जाम्पल इम्पोर्टेंट है। देखिए, मॉड वाला एग्जाम्पल है हमारे पास। ठीक है, एडिशन मॉड्यूलो और मल्टीप्लिकेशन मॉड्यूलो। ठीक है, और क्या होता है ये मैं आपको समझाऊंगा अभी, उसके बाद मैं आपको ये कंप्लीट कराऊंगा। तो समुच्चय ए, समुच्चय दे रखा है हमको 0, 1, 2, 3 एंड 4। ठीक है, संक्रियाओं योग मॉड्यूलो 5 तथा, ठीक है, 5 का मतलब कितना क्या होता है, प्लस और नीचे 5 ऐसे लिखते हैं, है ना, तथा गुणन मॉड्यूलो 5। चल लिखते हैं डॉट नीचे 5। ठीक है, के लिए क्या होता है, क्षेत्र होता है, के लिए क्षेत्र होता है। क्लियर। तो समुच्चय हमारे पास ए और वो है 0, 1, 2, 3, 4। ठीक है, आपके पास हमेशा ये ध्यान रखना कि जब भी आपका मॉड्यूलो होगा +5.5 तो यहाँ पर 5 एलिमेंट होंगे। ठीक है, और उसकी शुरुआत 0 से होगी, 0, 1, 2, 3, 4। मान लो मैं आपसे कहता हूँ कि मेरे पास मॉड्यूलो 6 है, मॉड्यूलो 7 है, तो मॉड्यूलो अगर 6 की बात करूँ तो यहाँ पर 0, 1, 2, 3, 4, 5 तक होंगे। ठीक है, मॉड्यूलो 4 की बात करूँ तो 0, 1, 2, 3 तक होंगे। ठीक है, टोटल नंबर तो कितने होंगे, जितना मॉड्यूलो है, लेकिन शुरुआत किससे होगी, 0 से। तो इस वजह से एक नंबर यहाँ पे उस मॉड्यूलो के हिसाब से कम होगा। ठीक है, तो आज चलते हैं। अब हम यहाँ पर सारणियाँ बनाते हैं। तो मॉड्यूलो प्लस और डॉट है क्या, प्लस बार समझ लेते हैं। तो देखिए, मॉड्यूलो 5 का मतलब है, मान मैं कहता हूँ ए मॉड्यूलो 5 बी। ठीक है, इसका मतलब क्या है कि दोनों संख्याओं में प्लस करने पर और मॉड्यूलो 5 लगाने पर आपके पास संख्या जो है वो, अगर इनकी जो संख्या है ए प्लस बी की जो संख्या है वो 5 से बड़ी आती है, 5 से बड़ी आती है, उसके बराबर आती है, तो आप क्या करेंगे कि जो वैल्यू आ रही है ए प्लस बी उसको 5 में से घटा देंगे। ठीक है, 5 में से माइनस कर देंगे उसको, 5 माइनस ए प्लस बी। ठीक है, और अगर वैल्यू ए प्लस बी की छोटी है 5 से, यानी उस मॉड्यूलो से, तो हम क्या करेंगे, ए प्लस बी में जो भी वैल्यू ऐड करने पर आ रही है वही की वैल्यू लिख देंगे। क्लियर, समझ में आ गया, दोबारा लिख लो। अगर वैल्यू ए बड़ी है या बराबर है उस मॉड्यूलो से, यहाँ पे मैं 5 की जगह पर एन का यूज़ कर सकता हूँ। ठीक है, आप चाहे देख सकते हैं ए प्लस एन मॉड्यूल लगा हुआ है, तो मैं आपको कहूँगा कि एन में से माइनस कर दूंगा, सॉरी वैल्यू बड़ी है ना ए प्लस बी, तो उस ए प्लस बी में से एन को माइनस कर दूंगा, यानी 5 को माइनस कर दूंगा। ठीक है, अगर वो वैल्यू बड़ी है एन से या बराबर है, और यहाँ पर भी उल्टा हो जाएगा, ये माइनस के 5 ही आ जाएगा। और अगर वैल्यू ए प्लस बी की उस एन से छोटी है, इसका मॉड्यूलो दे रखा है, तो ए प्लस बी की जगह का ए प्लस बी आ जाएगा जो भी वैल्यू ऐड करने पर आई है। तो स्टूडेंट्स, इसी हिसाब से हम सारणी बनाते हैं। तो देखिए, 0, 1, 2, 3, 4। ठीक है, प्लस मॉड्यूलो 5 यहाँ लिखा, सेम यहाँ पर लिखा 0, 1, 2, 3, 4, 5। ठीक है, अब 0 में मैं 0 को ऐड करता हूँ मॉड्यूलो 5 के हिसाब से, तो 0 हो जाता है। 0 में 0 जोड़ने पर 0 आ रहा है, वो 5 से कम है, तो वैल्यू वही की भी रहेगी। 0 में 1 जोड़ूँ तो 1 आएगा,
जो मैं दो जोड़ूँ तो दो आएगा, जो मैं तीन जोड़ूँ तो तीन आएगा, चार जोड़ूँ तो चार आएगा, और पांच तो होगा नहीं, चार तो होगा, ठीक है। फिर एक में जीरो जोड़ूं, एक दो, एक में एक को जोड़ूं तो दो, एक में दो को जोड़ूं तो तीन, सबसे पांच से छोटे हैं तो वैल्यू वही की वही आती रहेगी। एक में तीन को जोड़ूं तो चार, जब मैं एक में जोड़ता हूँ चार को तो आता है पांच, और पांच वैल्यू पांच के बराबर है, पांच से बराबर नहीं आनी चाहिए, उससे छोटी आनी चाहिए, तो मैं क्या करूंगा उस पांच में से पांच को माइनस कर दूंगा, ठीक है। पांच में से पांच को माइनस कर दूंगा तो क्या आ जाएगा यहाँ पे, जीरो, ठीक है। ऐसे ही दो में जीरो को जोड़ा तो दो आया, दो में एक को जोड़ा तो तीन आया, दो में दो को जोड़ा तो चार आया, जब दो में तीन को जोड़ता हूँ, इस तीन को, दो तीन पाँच होते हैं, यहाँ पर क्या आ जाएगा, जीरो आ जाएगा। और दो और चार कितने होते हैं, छः, तो पाँच से क्या है, बड़ा है, ठीक है, बड़ा है, तो उसमें से क्या करो, छः में से पाँच को माइनस कर दो, वैल्यू क्या आ जाएगी, वन, ठीक है। सेम ऐसे ही थ्री को जोड़ा जीरो में तो थ्री आया, थ्री को जोड़ा वन को तो फोर आया, ठीक है। थ्री को टू जोड़ा फाइव आया, फाइव में क्या रखते हैं, हम जीरो रखते हैं, फाइव में फाइव गया तो जीरो, और थ्री सिक्स यानी कि वन, और थ्री एंड फोर सेवन यानी कि टू, ठीक है। वैल्यू जितनी बड़ी है पाँच से उसको माइनस करके वो वैल्यू आ जाएगी। ऐसे फोर को जोड़ लो, फोर का फोर, फोर वन फाइव यानी कि जीरो, फोर और टू सिक्स यानी कि वन, थ्री यानी कि टू, और फोर और फोर एट, एट हम लोग कितना जाएगा, थ्री, एट में से फाइव माइनस होगा तो क्या बच जाएगा, थ्री बच जाएगा, ठीक है। उस नंबर को जो पाँच से बड़ा है उसमें से उस पा वैल्यू जो जितनी मोड़ लगा हुआ है उतना मोड़ लगा हुआ है उसको आप घटा दो, ठीक है। अब हम काम करते हैं ऐसे ही डॉट के लिए। डॉट में क्या होता है, डॉट में हम देखते हैं रिमाइंडर, ठीक है, कितना शेषफल बचता है, ठीक है। सेम ऐसे काम होता है, इसमें क्या होता है, इसमें हम देखते हैं कि शेषफल क्या बचा है वो हम लिखते हैं यहाँ पर, ठीक है। जीरो वन टू थ्री एंड फोर, जीरो वन टू थ्री एंड फोर, ठीक है। जीरो में जीरो को ऐड किया तो जीरो आया, सॉरी ऐड नहीं किया, मल्टीप्लाई किया, अब तो यहाँ सब जगह क्या आएगा, जीरो आएगा, फिर जीरो को मल्टीप्लाई करने पर तो जीरो आता है, यहाँ पर सब जगह जीरो हो जाएगा, ठीक है। वन को जैसे मल्टीप्लाई जीरो आ गया था, वन को वन से किया तो वन आ जाएगा रिमाइंडर। अगर पाँच से बड़ा है तो रिमाइंडर देखना है ना, पाँच से छोटा है तो रिमाइंडर नहीं देखना, वो तो वही वैल्यू आ जाएगी। वन को टू से किया तो टू आ गया, वन को थ्री से किया तो थ्री आ गया, और वन को फोर से किया तो फोर आ गया, ठीक है। टू को वन से किया तो टू वन जा टू, टू टू जा फोर, अब देखिए यहाँ पे टू थ्री जा होता है सिक्स, सिक्स में फाइव का डिवाइड किया तो रिमाइंडर कितना बचा, वन, ठीक है। रिमाइंडर टू को फोर से किया तो एट, रिमाइंडर कितना बचा, थ्री, वही वैल्यू ऐसी आती है। थ्री को जो वन से किया तो थ्री, थ्री टू जा सिक्स, रिमाइंडर बचा वन, थ्री थ्री जा नाइन, रिमाइंडर बचा फोर, थ्री फोर जा ट्वेल्व, रिमाइंडर बचा टू, टू देखिए आप ट्वेल्व आ रहा है, ठीक है, आपसे टू ऐसे बच गया, तो थ्री इंटू फोर मॉड्यूल लगा हुआ है फाइव, तो ट्वेल्व हो गया, तो ट्वेल्व में फाइव पर डिवाइड किया, अब फाइव टू जा टेन, टेन के बाद ही तो देखेंगे ऐसे तो ना, फाइव वन जा फाइव से फिर रिमाइंडर देखेंगे ना, आगे भी तो भाग जा रहा है ना, डिवाइड जा रहा है, फाइव टू जा टेन, रिमाइंडर कितना बच गया, टू, ठीक है। फोर वन जा फोर, फोर टू जा एट, रिमाइंडर कितना बच गया, थ्री, फोर थ्री जा ट्वेल्व, रिमाइंडर बच गया टू, और फोर फोर जा सिक्सटीन, रिमाइंडर बच गया वन, ठीक है। वैसे ये दो टेबल बन गए हमारे पास, अब इन दो टेबलों को देख के ही हम पहचान लगा लेंगे कि ये सब जो वैल्यूज हैं वो क्षेत्र बनाते हैं या नहीं बनाते हैं, ठीक है। देखिए कैसे पता लगाते हैं कि क्षेत्र बनता है या नहीं, तो उसको पता लगाने के लिए हमारे पास सबसे सिंपल सा तरीका है कि आप इन टेबल्स को देखिए, इसके अंदर आपको क्या दिखेगा, आपको सबसे पहले पहले रूल क्या लगाना है, समवर्तता का रूल, ठीक है, आपको लगाना है क्लोजर प्रॉपर्टी, तो आपको मैं सिखा रहा हूँ यहाँ पर टेबल्स को देखकर पता लगाना कि वैल्यू जो है वो क्लोजर मतलब कि प्रॉपर्टी है या नहीं है, इसके अंदर एसोसिएटिव होगा या नहीं होगा, साहचर्यता, तस्मक, प्रतिलोम, ये सब चीज़ें इसमें ही मिल जाएंगी, आपको ऐसे करने की जरूरत नहीं है। तो आप देखिए यहाँ पर वैल्यू जो थी आपके पास सेट के अंदर क्या था, जीरो वन टू थ्री फोर था, ठीक है, ये एलिमेंट थे, और आप देख लीजिए दोनों दोनों टेबल के अंदर यही सारे एलिमेंट हैं, जीरो वन टू थ्री फोर, ये सारे देखिए,
मल्टीप्लाई करने के बाद और ऐड करने के बाद सारे सारे एलिमेंट वही मिल रहे हैं, 0, 1, 2, 3, 4, इनके अलावा कोई नंबर नहीं है, यानी कि 5, 6, 7, 8 कोई एक्स्ट्रा नंबर नहीं है, सेट के अलावा कोई नंबर ही नहीं है, ठीक है, नंबर नहीं है। तो इसका मतलब क्या हुआ, हमारे पास ये समता के नियम का पालन कर जाएगा, क्योंकि जब सारे नंबर ए में से आ रहे हैं, ठीक है, तो उनको जो मल्टीप्लाई करने पर ऐड करने पर भी सारे नंबर कहाँ से आ रहे हैं, ए में से आ रहे हैं, ठीक है। सेकंड है एसोसिएटिव, एसोसिएटिव के अंदर आप किसी भी वैल्यू को देख लो, ऐड करके देख लो, 1, 1 को ऐड किया तो 1 आया और 2 आया, ठीक है, 1 और मतलब कोई भी नंबर लेके देख लो आप, इसमें ही मिलेगा आपको, ठीक है। क्लोजर प्रॉपर्टी और एसोसिएटिव प्रॉपर्टी दोनों के लिए फॉलो करेगा आपके पास, ठीक है। अब आती है तस्मा का ढूंढना, तस्मा का देखिए प्लस के लिए क्या होता है, 0 होता है, ठीक है, तो 0 देखिए कहाँ कहाँ आ रहा है, 0 विद्यमान है, बिल्कुल विद्यमान है 0, और डॉट के लिए क्या विद्यमान है, 1, तो 1 विद्यमान है इसमें, ठीक है। अब देखिए प्रतिलोम की बात कर रहा हूँ, और वैसे भी तस्मा अब देखो क्या करना होता है कि आपको पहला पहला रो देखिए, पहला पहला कॉलम देखिए, ये किस वजह से, ये दोनों सेम सेम आ रहे हैं, 1, 2, 3, 4, 0, 1, 2, 3, 4, ये किसकी वजह से सेम आ रहे हैं, इस 0 की वजह से सेम आ रहे हैं ना, तो 0 की वजह से सेम आ रहे हैं, तो इसका 0 क्या हो जाएगा, तस्मा अवयव हो जाएगा, ठीक है। 0 इज आइडेंटिटी, ठीक है, ऐसे सेम पहला पहला स्तंभ चाहे यहाँ से देख लो चाहे यहाँ से देख लो, 0, 1, 2, 3, 4, 0, 1, 2, 3, 4 सब सेम आ रहा है, किसकी वजह से सेम आ रहा है, इस 1 की वजह से सेम आ रहा है, ठीक है। 1 डॉट के लिए क्या होता है, 1 देखो ना, 1 से मल्टीप्लाई करोगे 1 को तो 1 आया, 1 को करा आपने 2 से तो 2 आया, ऐसे ही 2 को 2 किया 1 से तो 2 आया, 3 को किया 1 से तो 3 आया, सब तो वैल्यू सेम सेम आ रही है, उसका क्या हो गया, आइडेंटिटी 1 हो गई, ठीक है। प्रतिलोम देखने के लिए हमें क्या क्या ढूंढना पड़ेगा, हमें प्रतिलोम निकालना है, तो हमें देखने पड़ेंगे कि हमारे पास जो शून्य है, शून्य कहाँ कहाँ आ रहे हैं, देखो शून्य यहाँ आ रहा है, शून्य यहाँ आ रहा है, एक शून्य यहाँ आ रहा है, एक यहाँ आ रहा है, इस शून्य से हमें ढूंढने हैं, ठीक है, क्योंकि शून्य कब बनेगा, दो ऐसे नंबरों को मिलकर बनेगा जो आपस में क्या होंगे, प्रतिलोम होंगे। ये शून्य कब बना, 0 से 0 मिलकर बना, तो यहाँ पर 0 का प्रतिलोम क्या है, 0 है। ये शून्य कब बना, 4 और 1 को मिलकर, तो 1 का प्रतिलोम, 1 का प्रतिलोम कौन हो गया, 4। ये शून्य कब बना, 3 और 2 को मिलकर, तो 2 का प्रतिलोम कौन हो गया, 3। ये कब मिला, 2 और 3 को मिलकर, तो 3 का प्रतिलोम कौन हो गया, 2। ऐसे 4 का कौन हो गया, 1। तो आप यहाँ लिख सकते हैं इनवर्स, 0 का तो हो गया 0, 1 का हो गया 4, 2 का हो गया 3, 3 का हो गया 2 और 4 का हो गया 1, ठीक है। ये तो हो गया प्लस के लिए, आप डॉट के लिए निकालना चाहते हैं तो आप यहाँ समय क्या देखेंगे, 1 देखेंगे, 1 वैल्यू, ये 1, ये 1, ये 1 दिख रहा है आपको, 1 1 देख लिया आपने। अब 1 जो है किससे मिलके बन रहा है, इस वाले 1 से, उस वाले 1 से, ठीक है, तो 1 का प्रतिलोम क्या हो गया, 1 ही हो जाएगा। 2 का प्रतिलोम क्या हो जाएगा, 2 का प्रतिलोम हो जाएगा 3, ठीक है, 3 का प्रतिलोम हो जाएगा 2 और 4 का प्रतिलोम हो जाएगा 4, 2 का प्रतिलोम 3, 3 का प्रतिलोम 2, 1 का प्रतिलोम 1 और 4 का प्रतिलोम 4, ठीक है। क्योंकि हमें पता है कि 1 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 आएगा, हमें 1 ही चाहिए, 2 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 आएगा, मोड लगाएंगे जब हम मल्टीप्लाई के अंदर मोड 5 लगाएंगे, डॉट 5, तो क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, 3 6 ये 1 हो जाएगा, 4 4 16 ये भी क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, ठीक है। तो ऐसे ही हमारे पास इन सब के इनवर्स भी मिल गए हैं, 1 का इनवर्स, 1 का इनवर्स 1, 2 का इनवर्स 3, 3 का इनवर्स 2, 4 का इनवर्स 4, कौन सा इनवर्स, मल्टीप्लिकेटिव, ठीक है, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है ये, और ये एडिटिव यानी कि योगात्मक, क्लियर। अब बताती है सारे हो गए, अब बताती है क्रमविनिमेयता, तो क्रमविनिमेयता भी पालन करेगी, क्योंकि आप यहाँ पे 2 को 1 से मल्टीप्लाई करके देखो, 2 को 1 से मल्टीप्लाई किया तो कितना आया, 2 को 1 से प्लस किया तो 3 आया, ठीक है, और 1 को आपने 2 देखो आने 1 को किया 2 में ऐड तो कितना आया, 3 आया, और 2 को किया 1 में ऐड तो कितना आया, 3 आया, है ना, सेम सेम आ रहे हैं।
फिर सेम फोर की कहानी है, ठीक है। तो इस तरह से कम विनिमय जो है वैल्यू आप करेगी, और ऐसी तरह की आपके पास बंटनता के नियम का पालन भी होगा। तो इस हिसाब से आपका जो है ये कौन सा ये सेट जो है संक्रियाओं का योग मॉडलों के लिए और गुणन मॉडलों के लिए क्या हो जाएगा, एक क्षेत्र हो जाएगा। तो इम्पोर्टेंट एग्जाम्पल है अपने आप में ये, ठीक है स्टूडेंट्स। तो इसको अच्छे से पढ़िए, ध्यान से देखिए चीज़ को। बाकी नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं, आज के लिए इतना ही। थैंक यू।